स्वागत है दोस्तों आपका इंडी लव चैनल पे। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं मेरे शहर जहाँ पे मैं रहता हूँ व्लादिवोस्तोक। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक वॉरियर स्टेट है क्योंकि व्लादिवोस्तोक को सिटी ऑफ वॉरियर भी कहा जाता है। इस सिटी को बनाया गया था 1784 में जॉर्जियन आर्मी के लिए उनकी छावनी के रूप में प्रयोग करने के लिए, जो कि वर्ल्ड वॉर के समय में इस सिटी ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। कहते हैं कि यहाँ पे हर घर से किसी न किसी ने युद्ध में हिस्सा लिया था और इसीलिए इस शहर को सिटी ऑफ वॉरियर भी कहते हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पर्वत शिखलाएँ, इस पर्वत शिखला के बाद से जॉर्जिया पड़ता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है और कभी समय मिला तो मैं आपको उसके भी दर्शन करा दूँगा। और ये इस शहर के सभी पानी की ज़रूरतों को पूरा करता है इन काकाजियन माउंटेन की मदद से, जो कि करीब 3 महीने बाद यहाँ पे -40 से -30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान हो जाती है और इसी की वजह से इस शहर का तापमान तक -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और इस वजह से यहाँ पे एज ए इंडियन हम यूपी वालों के लिए रहना काफ़ी कठिन है। फ्रीजर है भाई यहाँ का ये, और आपको कुछ अगर आप बोलेंगे तो कुछ दिन बाद आपको इन माउंटेन्स की भी सैर हम कराएँगे। और ये हैं हमारे दोस्त फैज और आदिल। व्लादिवोस्तोकियन मैप, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये जो ब्लू लाइन है ये यहाँ की नदी है और ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ के रोड और गलियाँ हैं। एक्चुअली बात ये है कि जब युद्ध का समय होता था तो व्लादिवोस्तोक की आर्मी या जॉर्जियन आर्मी कह दें, ये लोग यहाँ आके और आपस में सलाह मशवरा करते थे कि कहाँ से कौन सी कार्रवाई करनी है नाजीज़, और वर्ल्ड वॉर के समय में इस सिटी में कहीं भी कोई भी एनिमी आ जाए और यहीं पे सारे डिस्कशन होते थे उनके। और दोस्तों ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये तेरेक रिवर है, इसके उस तरफ जो आप देख रहे हैं ये सिटी ओल्ड सिटी कहलाती है, पुराना शहर, और इसके इस तरफ नया शहर बसा हुआ है। ये मैप इतना एग्जैक्ट है कि इसमें हम अपने घर, अपने स्ट्रीट्स और यहाँ तक कि अपने स्कूल कुछ भी ढूंढ सकते हैं जैसा कि। और आइए आपको कुछ दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा हॉस्पिटल, यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल की प्रैक्टिस करते हैं और मरीजों को देखते हैं। और जो आप देख रहे हैं ये है हमारा हॉस्टल और ये है पार्क, और यहाँ पे आकर कभी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी आराम करना हो, थोड़े से मन को शांति देना हो तो आते हैं। और जैसा कि आपने देखा कितना एग्जैक्ट मैप, कितना सुंदर सा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, ऐसे नल यहाँ पे सिटी के किसी भी कोने में हर जगह आप देख सकते हैं और काफ़ी ठंडा पानी आता है, क्योंकि आपको पी के दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं है, यहाँ पे लोग आते हैं शादी के बाद और ताले लगाते हैं। उनकी मान्यता है कि यहाँ पे ताले लगाने से उनके रिश्ते हमेशा इस ताले की तरह जुड़े रहेंगे और कभी टूटेंगे नहीं। और आप इस तरफ देख रहे हैं कितना सुंदर व्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं और इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये है मुख्तार मस्जिद, जो यहाँ पे मुख्तारों मस्जिद के नाम से फेमस है और यहाँ के सुन्नी मुसलमान यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको दूर से दिखाया जितना खूबसूरत ये दूर से दिखती है उतना ही खूबसूरत ये मस्जिद पास से भी दिखती है। और ये मस्जिद कुछ ज़्यादा पुरानी है नहीं दोस्तों, करीब इस मस्जिद के बने हुए 200 साल हुए हैं। अकॉर्डिंग टू लोकल्स लोग कहते हैं कि ये मस्जिद यहाँ पे इस्लाम करीब 200 साल पहले आया था,
कोशिश करते हैं कि आपको अंदर ले चलें और दिखाएं कि ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है। कोरोना वायरस के कारण सभी धार्मिक स्थल पूरे विश्व में बंद चल रहे हैं और इसी कारण ये मस्जिद भी बंद है, पर हम आपको कोशिश करेंगे कि दिखाएं। आर्मेनियाई चर्च, मोस्टली यहाँ पे आर्मेनियन क्रिश्चियंस आते हैं यहाँ पे प्रेयर करने के लिए, और यहाँ के वन ऑफ द फेमस चर्च है। और ऐसे यहाँ पे 3 चर्च पाए जाते हैं, और क्रिश्चियन में भी काफ़ी अलग अलग तरह के क्रिश्चियन लोग होते हैं यहाँ पे। आर्मेनियन अपना अलग चर्च यूज करते हैं, ऑसेशियन अपना अलग चर्च यूज करते हैं, और जॉर्जियन अपना अलग चर्च यूज करते हैं। ये चर्च काफ़ी खूबसूरत होते हैं और क्रिश्चियन लोगों के दिलों में इनका काफ़ी विशेष स्थान होता है। हाय दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है यहाँ का रिवर फ्लो। यहाँ पे लोग आते हैं आराम करने, एक्सरसाइज करने, खेलने, परिवार के साथ आते हैं। और यहाँ से कुछ दूर आगे ही है आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ से पानी को पहले शहर के पानी को साफ़ किया जाता है और उसके बाद नदी में छोड़ा जाता है। और कुछ दूर आगे है आपका टेनिस कोर्ट और पब्लिक जिम, और इसके साथ ही तरह तरह के खेल करने वाले साधन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में दिए जाते हैं, जिसका लोग यूज करते हैं। और ऐसे यहाँ पे रोड पे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे अपने यहाँ रेहड़ी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, ऐसे यहाँ के ठेले वाले हैं। और यहाँ से आप आइसक्रीम खरीद सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, पानी ले सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो। और लोग यहाँ पे आते हैं, अपना कॉफ़ी पीते हैं, आराम करते हैं। और आप खुले चलते हैं अब प्रोस्पेक्ट मीरा, जो कि काफ़ी यहाँ की फेमस जगह है और लोग नॉर्मली वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। ये सिटी का सेंटर पार्ट है और काफ़ी अच्छी दुकानें यहाँ मिल जाएंगी। और चलिए, आपको ज़्यादा बात कर ना करते हुए आपको ले चलते हैं। प्रोस्पेक्ट मीरा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे लोग मिनिमम
घूमने आते हैं, ज़्यादा इससे कुछ है नहीं। यहाँ पे अच्छे अच्छे शॉप्स आपको मिल जाएंगे, जैसे हमारा इकलौता सोर्स KFC, जहाँ पे हमें थोड़ा सा तीखा खाने को मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मली तीखा खाने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी कम तीखा खाते हैं या मसाले का तो बिल्कुल यूज ही नहीं करते हैं, मसाला तो इनको बिल्कुल पता नहीं है। और इस एरिया में सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं, अपना मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं। यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं और आगे अगर आप रेड कलर में देख रहे हो, शायद फ़ोन में आ रहा हो, यहाँ KFC है और ये है आपका ग्रैंड होटल।